करते हो, देख रहे हो ना विनोद कैसे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ावा जाता है। मुझे क्या बोलते हैं आप अगुआ समझते हो ना, अगुआ इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। अगुआ क्या कहता है, फेवी कॉल समझते हो, कंजक्शन इज कॉल्ड टू फेवी कॉल। कहता है कि चुलबुली पादुकोण, सपना में देखोगे दीपिका पादुकोण तो कहां से याद रहेगा तुमको त्रिभुज का कोण, बताओ तो ना। ऐसे जो बाबू सोना करता है ना, राइट, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। वो जमाना गया 1947 वाला, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 9 होते हैं। आर्टिकल को लिया है, ये तूफान सर है, आज आपको इस तूफानी अंदाज में कुछ अलग ही। तुम लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से हो, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तूफान सर आपके सामने और स्वागत करता हूं आप सबका अपना YouTube चैनल VSR अड्डा पे। तो बने रहिए, जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास बताया था, तो आज की जो क्लास हम लोग देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन क्लास के बावजूद में पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग कवर करने वाले हैं, राइट। तो आर यू रेडी फॉर इट? अगर जो आप लोग रेडी हैं तो आइए, तो देख करके आप समझ ही गए होंगे कि क्या लिखा रहा है भाई। इसमें लिखा हुआ है कि देख रहा है ना विनोद कैसे पढ़ावा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, राइट। आ जाओ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं, बहुत बढ़िया। आइए, तो जैसा कि आपको पता है कि आज का जो हम लोग टॉपिक जो देख रहे हैं, राइट, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या लिखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आप लोग को मालूम है, ये लिखा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको मालूम होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। आप सबको मालूम है, आज बड़ा यूनिक तरीका से आप लोग सीखोगे, राइट। जिस प्रकार से हमारा ये जो बॉडी देख रहे हो ना, ये जो हमारा शरीर देख रहे हो ना, जिस प्रकार से इस शरीर में एक एक अंग होता है, एक उसी प्रकार से और अलग अलग फंक्शन काम करता है, राइट, एक उसी प्रकार से ये इंग्लिश ग्रामर में, राइट, ये इस इंग्लिश ग्रामर में अलग अलग तरह से फंक्शन की तरह काम करता है, राइट, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको हिंदी में हम लोग शब्द भेद कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, शब्द भेद कहते हैं, राइट। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इसको क्या होता है, आप लोग पहले बहुत डिफिनेशन पढ़ते थे, अ वर्ड इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, राइट। एक्चुअली क्या है कि जब किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, यानी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को फंक्शन के अनुसार अलग अलग 8 भागों में बांट दिया जाता है, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। लेकिन डियर ये तूफान सर है, आज आपको इस तूफानी अंदाज में कुछ अलग ही बताएंगे। जिंदगी भर आप लोग रटते आ रहे हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होता है, लेकिन टुडे आई विल टेल यू ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो 8 नहीं होता है ना, ये 9 होता है। किस प्रकार से 9 होता है आज हम लोग देखते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हो ये नाउन है। क्या है ये, नाउन है। तो नाउन होता क्या है, नाउन कह रहा है कि ये नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। दुनिया संसार का जितना भी नाम है ये सबको नाउन बोलते हैं। इवन यहां तक कि मैं भी क्या हूं, नाउन हो, तुम भी क्या हो, नाउन हो, माने किसी, मतलब हमारा या तुम्हारा या किसी व्यक्ति का धरती पर के कोई भी नाम। हम लोग सब बिहार से बिलोंग करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए यहाँ गजब गजब तरीका का नाम। यहाँ शनिचर के अगर जो जन्म होता है तो उसका नाम रख देता है शनिचरा, शनिचरा भी नाउन है। मंगल के अगर जो जन्म लेता है तो उसका नाम रख देता है मंगरा, ये मंगरा भी नाउन है। तो ये जितना भी देख रहे हो, राइट, ये लखेरन चाके देख रहे हो, ये भी एक नाउन है। दुनिया संसार के जितने भी, देखो आज मैं ये डिफिनेशन नहीं लिख पाया नाउन का, ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। जी हाँ, ये नाउन को डिफिनेशन मैंने नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि आप एक डियर बात मान लो, राइट, ये लिखा हुआ पर्सन, राइट, जिसको हम लोग राइट प्रोनाउंसिएशन होता है पर्सन। क्या होता है, पर्सन, नॉट पर्सन। तो ये जो पर्सन है क्या ये नाउन नहीं है, ये भी तो नाउन ही है, तो पर्सन क्यों बोल रहे हो, सिर्फ पर्सन ही नहीं होगा। आप जब थिंग्स बोलते हो ना, ये थिंग्स बोलते हो ना, ये प्लेस बोलते हो ना, तो ये भी तो नाउन ही है ना, इसलिए इसको मैंने नहीं बताया। और डायरेक्ट मैंने कहा कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, दुनिया संसार के जितने भी नाम होते हैं, राइट, वो सभी को हम लोग नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का नाम हो। नेक्स्ट कहता क्या है कि इट कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। बहुत बड़ी चीज, नाउन जो आता है वो किसके स्थान पर आता है,
तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन आता है, राइट। और अभी हम लोग बेसिक पॉइंट देख रहे हैं, धीरे धीरे करके और डिटेल्स हम लोग देखेंगे। समझ गए कि नाउन है ना, नेमिंग वर्ड है, दुनिया संसार के जितने भी नाम है, राइट, बुधरा से शनिचरा से लेकर के मंगरा तक, चाहे कुछ भी नाम है, वो सभी के सभी क्या है, नाउन है। ये किसके स्थान पे आता है, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, राइट। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है भाई, प्रोनाउन जैसा देख रहे हैं आप लोग, ये कह रहा है, प्रोनाउन जो होता है ये कह रहा है कि रिप्लेस, ये रिप्लेस नाउन, ये नाउन को ना रिप्लेस करता है, आई मीन ये किसी दूसरे स्थान पर आता है, ये नाउन के स्थान पर आता है। सिंपल है भाई, जो नाउन के स्थान पर आए उसी को क्या कहते हैं, हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, राइट। और ये भी इट कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये भी नाउन जो है उस सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, राइट। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, जो नाउन के लिए आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। दुनिया संसार के जितने भी नाम है उसे नाउन कहते हैं, राइट। इवन मैं अगर जो पढ़ा रहा हूं, आप लोग मुझे जान रहे हो, ये तूफान सर, राइट, ये भी क्या है बोलो, नाउन है, है ना, तो ये चीज भी है। अगला कहता क्या है, नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब जो देख रहे हो, द राइट प्रोनंसिएशन इज वर्ब नॉट वर्ब, है ना, लेकिन ये जो देख रहे हो ना वर्ब, ये वर्ब होता क्या है, एक्शन, डूइंग या स्टेट वर्ड। ये जो होता है किसी एक्शन को बताता है, किसी कार्य को बताता है, डूइंग कुछ करने को बताता है, स्टेट वर्ड अवस्था को बताता है। कैसे बताएगा, आई विल टेल यू वेरी सून, राइट, बहुत जल्दी हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट कहता है एडजेक्टिव, इसमें डी जो होता है वो साइलेंट होता है और हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं एडजेक्टिव, वेरी नाइस। एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, आई मीन क्वालिफाइज, जो नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है, आई मीन विशेषता बतलाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है कंजक्शन, क्या है कंजक्शन, ये कंजक्शन का मतलब क्या होता है, राइट, तो ज्वाइनिंग वर्ड, ये कंजक्शन जो होता है एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है, क्या होता है डियर, ये ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ये जोड़ने का काम करता है, है ना, आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल, यही चीज को ऐड किया है मैंने, सोच करके देखो, जब आप बोलते हो ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए क्या होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेंटेंस बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए डियर क्या होने की जरूरत है, किसी सब्जेक्ट को होना तो जरूरी है ना, किसी ऑब्जेक्ट को होना तो जरूरी है ना, इतना तो पता है ना, या तो सेंटेंस जब बनाएंगे तो कम से कम हमें तो वर्ब की जरूरत है ना, किसकी जरूरत है, वर्ब की जरूरत है ना, तो यही चीज है। अब मान के चलो किसी नाउन को हम लेते हैं, क्या लेते हैं, नाउन को लेते हैं, जैसे आप बोलते हो है ना आ बुक, क्या बोलते हो, आ बुक बोलते हो, तो बुक क्या है, एक नाउन है, तो क्या ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब ये नाउन आता है तो सिंगल जब नाउन आता है तो नाउन के साथ आर्टिकल्स आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए हम लोग आर्टिकल को भी है ना ऐड किया है। ये जो वर्ड देख रहे हो ये कहता है प्रीसेट्स नाउन, ये नाउन के आगे आना, ये प्रीसेट्स का मतलब क्या होता है भाई, आगे आना, क्या हो जाता है, आगे आना, राइट, तो ये नाउन के आगे आता है आर्टिकल, और अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्री प्लस पोजिशन, जो कहीं ना कहीं प्लेस के पहले आ जाए, कोई स्थान के पहले आ जाए और क्या करेगा, रिलेटिव आई मीन रिश्ता बताएगा, तो इसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव, एंड देखो यहाँ पे लिखा है मॉडिफाइज अ वर्ब, है ना, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है ना, और किसको भाई, तो एडजेक्टिव को करता है, और खुद ही जो है ये एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट है उसको देख लेना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट कहता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो देख रहे हो एक्सप्रेसेस सरप्राइज, ये सरप्राइज को बताता है, आश्चर्य को बताता है, हैप्पीनेस किसी खुशी को बताता है, सॉरो है ना दुख को बताता है, और पेन किसी दर्द को बताता है, राइट। तो अभी हम लोग फिलहाल जो देख रहे हैं वो अभी ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने देखा, पहले से आप लोग जानते थे कि 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते थे, लेकिन आज आप लोगों ने सीखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 9 होते हैं, आर्टिकल को भी मैंने इंक्लूड कर दिया। ओके डियर, तो चलिए हम लोग फिर से और आगे बढ़ते हैं, है ना। आ जाओ, वाह, एक नंबर, चलिए तो देखिए क्या कह रहा है, अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहला जो है नाउन, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, ये नाउन लिखा हुआ, नाउन के बारे में मैंने क्या बताया, राइट, इन नाउन क्या होता है भाई, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ये जो देख रहे हो ना ये नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कहीं कहीं अगर जो मिस्टेक हो ना तो उसको सुधार लेना, है ना।
आता है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, एक नाउन जो होता है वो नाम को, अभी तुरंत बताया कि दुनिया संसार के जितने भी देख रहे हो वो सभी के सभी क्या है, वो नाउन है, राइट। धरती पर के जितना भी है, यानी पेन है, चेयर है, यानी बॉटल है, अदरवाइज कुछ भी रहे, नाम को बोध कराएगा वो नाउन है। आई मीन नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। वो जमाना गया 1947 वाला, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, राइट। वो सब जमाना नहीं है। कहता क्या है कि नाउन के बारे में अगर जो बोला जाए तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है, राइट। मैं अभी तुरंत बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो कि कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोमेन, राइट। ये मैं बता रहा हूँ, बड़ा यूनिक चीज आप लोगों ने सीखा। ये जो नाउन जो शब्द है ना, ये नाउन शब्द का निर्माण हुआ है किससे हुआ है, नोमेन शब्द से हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है, नेम होता है, राइट। द नाउन वर्ड इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द नोमेन वर्ड, कौन सा वर्ड, नोमेन वर्ड, और इट्स मीनिंग इज नेम, इसका मीनिंग क्या होता है, नेम। और आपको पता होना चाहिए कि नेम का मतलब क्या होता है, नाम होता है, और नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम होता है। डन, नेक्स्ट। तो फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे अगर जो वीडियो देख रहे हो तो, कि नाउन जो वर्ड है इसका निर्माण लैटिन वर्ड कौन सा शब्द से हुआ, राइट। नेक्स्ट है, नाउन कम्स आफ्टर आर्टिकल्स। एक चीज आप कर लेना, नाउन जो आता है ना वो आफ्टर आर्टिकल्स, आर्टिकल के बाद में आता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी तुरंत मैंने लिया, ये क्या लिखा हुआ, बुक लिखा हुआ, ये क्या है, ये नाउन है। तो जब आर्टिकल आएगा तो नाउन के बाद आएगा कि पहले आएगा, राइट। नाउन कम्स आफ्टर आर्टिकल, माने आर्टिकल पहले आएगा उसके बाद नाउन आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, आप बुक और ये जो देख रहे हो ये क्या हुआ, आर्टिकल हुआ, राइट। तो कभी भी जब आर्टिकल लगाना हो तो नाउन के पहले लगाना है आर्टिकल, ओके। नेक्स्ट है, आइए अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ बहुत बेहतरीन तरीका से, राइट, किस प्रकार से ये जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आता है, राइट। तो ये देखो, सबसे पहला कह रहा है कि श्याम, क्या लिखा हुआ है, श्याम, श्याम क्या है बोलो, नाउन है, श्याम क्या है बोलो, नाउन है। और ये नाउन जो है कैसा काम कर रहा है, ये नाउन एज लाइक ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, समझ में आया ना, राइट। नाउन जो है वो किसके तरह काम कर रहा है बोलो, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, टीचर टीज अ स्टूडेंट, ये जो टीचर जो देख रहे हो ना, ये टीचर खुद ही नाउन है और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, किसके तरह काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और ये जो स्टूडेंट्स देख रहे हो ना, ये स्टूडेंट्स खुद ही नाउन है और किसके तरह काम कर रहा है, बोलो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं, एक नाउन किसके तरह काम कर सकता है, है ना, दो तरीका से, सब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट के तरह काम कर सकता है। नेक्स्ट है, कहता है कि सिंगिंग इज एन आर्ट, गाना गाना एक कला है मेरे डियर, आपको पता होना चाहिए कि ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए, और गाना आवे या ना आवे गाना चाहिए, वेरी गुड। हमने कहा कि सिंगिंग इज एन आर्ट, गाना। अब ये देखो, बहुत से लोग ऐसा मानना होगा ना डियर, ये जो सिंगिंग जो है ना वो भाव है, भैया ये भाव का फॉर्म है, मैं मानता हूं कि भाव के फॉर्म को जीरण भी कहते हैं, लेकिन ये भाव का फॉर्म जो जीरण है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और जब सब्जेक्ट की तरह कोई काम करे तो इसे नाउन कहेंगे, क्या कहेंगे। तो यहाँ पर जो देख रहे हो ये सिंगिंग एक नाउन है, क्या है, नाउन है, और नाउन के है ना है भी, और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है किसी लाइक्स डांसिंग, वो नाचना पसंद करती है। एक चीज मैं तुमको बताता हूँ, राइट, यहाँ देखना, एक होता है सब्जेक्ट, क्या होता है मेरे डियर, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। देखो, जब कभी भी सब्जेक्ट को पता करना है ना, तो तुम उसको बोलो हु, मतलब बोलो कौन, क्या बोलना है, कौन बोलना है, राइट। तो जब कौन के जो आंसर आएगा ना वही सब्जेक्ट होगा डियर, राइट। अब नेक्स्ट कह रहा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखिए जब ऑब्जेक्ट को पता करना होगा तो ऑब्जेक्ट के कहना व्हाट, क्या कहना, व्हाट कहना या तो फिर हुम कहना, है ना। तो जब क्या या तो फिर किसे या किन को, इस तरह से अगर जो आंसर आए किसको, तो अगर जो इसका आंसर आ गया, अब बोलो ना, है ना, सी लाइक्स डांसिंग, सी लाइक्स डिनर, वह नाचना पसंद करती है, तो बोलो क्या, क्या बताओ ना, तो नाचना। तो यहाँ पर जो डांसिंग जो है है जिरेन की तरह है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये भी क्या है बोलो, नाउन है, क्या है बोलो, नाउन है, राइट। नेक्स्ट आइए, कहता है कि टू वॉक इज अ गुड, है ना, एक्सरसाइज, क्या है,
टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। वाह बेहतरीन, अभी तक आप लोग नाम को देख रहे थे, लेकिन रेडियर मैं बता दूं, ये जो देख रहे हो ना अभी, ये क्या है, ये टू वॉक। जब वर्ब के पहले टू लगता है तो इंफिनिटिव बन जाता है, और ये इंफिनिटिव नहीं है, यह एक नाउन का काम कर रहा है, और नाउन की तरह काम कर रहा है, और वो भी किसके स्थान पर आया, सब्जेक्ट की तरह आया। तो क्या इंफिनिटिव भी सब्जेक्ट की तरह काम करता है कि नहीं करता है डियर। नेक्स्ट आ जाओ, आई थिंक समझ गए होंगे, कहीं भी किसी का दिक्कत हो तो तुरंत मुझे बताएंगे आप लोग। ये देखिए क्या कह रहा, यहाँ पे कह रहा है जो है ना, यहाँ पे जो कह रहा है everybody fears to die, ये देख रहे हो ना, to die, right? To die, अल्लाह नहीं कीजिए आप लोग, पता है कि to die, तो ये जो देख रहा है ये to die है क्या, ये भी infinitive है, मैं मानता हूँ कि verb का form है, लेकिन ये noun की तरह काम कर रहा है, I mean object है, ये object है और noun की तरह, तो to die भी यहाँ पे क्या है, noun। आई डिड माई बेस्ट, कितने लोग को कहना है कि बेस्ट जो है यहाँ पे वो क्या है, बता दो तुम्हें लोग बेस्ट क्या है, धरती पर के सब आदमी बेस्ट को मानता है क्या है, कि गुड बेटर बेस्ट क्या है भाई, तो सुपरलेटिव डिग्री है। नहीं डियर, ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, राइट। ये जो देख रहे हो ना, आपको क्या पता होगा, जैसे सपोज दैट ये घर किसका है, मेरा, आप लोग क्या बोलते हो, हाउस बोलते हो ना, तो कहते हैं मेरा घर, बोलो किसका घर, मेरा घर, तो ये माई क्या है, या ये एडजेक्टिव है, और ये जो देख रहे हो ना, ये क्या है, यह एक नाउन है, बोलो क्या है, नाउन है। तो अगर जो ये नाउन हो सकता है, तो क्या ये नाउन नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ये क्या हो जाएगा, बोलो एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं अभी केवल और केवल पार्ट बाई पार्ट करके आपको सिखा रहा हूं, केवल केवल हल्के हल्के करके, इसके बावजूद में हम लोग फिर डिटेल राइट एक्सप्लेन करेंगे, है ना, आ जाओ। तो ये एडजेक्टिव है, तो आपको पता होगा कि जितने भी, चाहे माई हो गया, चाहे तो आपका हीज हो गया, चाहे तो आवर हो गया, योर हो गया, है ना, चाहे जितने भी आप जो देख रहे हो, डियर हो गया, डियर नहीं पढ़ते इसको हम लोग, डियर पढ़ते हैं, ये सभी के सभी क्या है, बोलो एडजेक्टिव है। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, ये बेस्ट जो है यहाँ पे नाउन होगा। आई एम फॉन्ड ऑफ वाटर बॉल, क्या कर रहा है, आई एम फॉन्ड ऑफ वाटर बॉल, मैं वाटर बॉल का शौकीन हूँ। अरे यार क्या मैं बताऊं, हर कोई, ये सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई गोलगप्पे का शौकीन होता है, और लड़की के बारे में तो बातें अलग है यार, लड़की लोग को क्या हालात है, अरे भाई जो बेचता है ना, उसका हाथ नहीं देखता है कि कितना गंदा है, है? उसका हाथ नहीं देखता है कि कितना गंदा है, और वो वाटर बॉल खा जाती है कि नहीं, खैर थोड़ा देख लिया करो यार, है ना, कि कितना फ्रेश आदमी बेच रहा है, नहीं, लेकिन लड़कों के लोग को कोई मतलब नहीं है उस सबसे। नेक्स्ट, वाटर बॉल का मतलब होता है गोलगप्पा, क्या होता है, गोलगप्पा, और ये देखो, है ना, ये हो गया आपका फ्रंट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन, क्या लगता है, ये आपका ऑफ लगता है, तो आप लोग देख रहे हैं ये प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन का काम आता है, और ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, आ गया नहीं आ गया, तो बोलो फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, नाउन सबको समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, दुनिया संसार के जितने भी नाम है सब नाउन है। नाउन किसके तरह काम करता है, एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, समझ में आ गया। इन्फिनिटिव और जो जीरंड होता है ना, वो भी एक नाउन की तरह काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ओके वेल, इतना सीखे, बाकी हम लोग डिटेल और भी पढ़ेंगे। आई नेक्स्ट आ जाओ, वाह क्या बात है, ये देखो आप लोगों के लाजवाब, है ना, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, लाजवाब पॉइंट फिर से आ गया। ये देखो लिखा हुआ क्या, प्रोनाउन, क्या लिखा हुआ डियर, प्रोनाउन लिखा हुआ, प्रोनाउन का मतलब ही क्या होता है, नाउन के लिए आना, राइट, किसके लिए, दूसरों के लिए आना, आई मीन नाउन के लिए आना, तो ये प्रोनाउन हो गया। ये प्रोनाउन का काम क्या होता है, रिप्लेस नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर देता है, राइट, वो नाउन को हटा देता है और उसके स्थान पर कुछ आता है, क्या आता है, जस्ट मैं अभी बताता हूँ, राइट। सबसे पहले देख लो कि कौन कौन रिप्लेस करके आएगा, तो एज ए सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन कौन कौन काम करता है, तो यहाँ देखो ही लिखा हुआ है, तो ही जो होता है वो सिंगुलर होता है, ये प्रोनाउन है, है ना। इसके बाद सी हो गया, ये सिंगुलर है, ये प्रोनाउन है, और इट जो देखो ये सिंगुलर होता है, राइट, ये भी प्रोनाउन है। अगला कहता है कि आई, ये भी प्रोनाउन है। नेक्स्ट है वी, आपका क्या हो गया, प्लूरल, ये भी आपका प्रोनाउन है, तो वी प्लूरल होता है, आई सिंगुलर होता है, और ये जो देख रहे हो दे, ये दे क्या होता है भाई, आज हम लोग देखते हैं, है ना, दे, ये दे सिंगुलर के लिए आता है, किसके लिए आता है, दे सिंगुलर के लिए नहीं, दे सिंगुलर के लिए नहीं आता है, किसके लिए आता है, ये आपका प्लूरल के लिए आता है ना। नेक्स्ट आता है यू, देखो यू जो होता है ना, ये दोनों होता है, यू क्या होता है,
ये दोनों होता है, तो पहला ये प्लूरल भी होता है और क्या होता है सिंगुलर भी होता है डियर, है ना। यू का प्रयोग, जैसे यू आर ए स्टूडेंट, है ना, यू आर, है ना, यू ऑल आर हेयर, समझ रहे बात को। तो यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, आप लोग देख रहे हैं। अगर जो एज ए ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो ये भी प्रोनाउन ही है, तो ही से बनता है हिम, सी से बनता है हर, इट से इट ही होता है, आई का मी होता है, राइट, वी का आस होता है, दे का देम होता है, और यू का यू ही होता है। तो ये सभी जो जितने भी देख रहे हैं ये सभी के सभी क्या है बोलो, प्रोनाउन है। क्या है डियर? प्रोनाउन है। तो आप लोग आई थिंक इतना समझ गए होंगे और इसको पढ़ लो। एक्चुअली जब मैं आप लोगों को एक्टिव और पैसिव वॉइस बताऊंगा तो उसके लिए भी बहुत लाजवाब है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नाउ वी सी इट अगेन। और एकदम फेस कॉपी एकदम बनाते रहिए आप लोग इसी तरह से। आइए देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख क्या कह रहा भाई, है ना, आ जाओ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, है ना, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्या कह रहा है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये जो देख रहे हो ना, ये क्या लिखा हुआ, ये ही लिखा हुआ, ये ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। कहीं ना कहीं जो मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा वो तो लड़का का नाम ही होगा ना, और नाम के स्थान पर आया, दैट्स वाई ये जो देख रहे हैं ये बोलो क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा, बोलो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। इट इज अन यूजफुल पेन, ये जो ईट आ रहा है ये बोलो क्या होगा, ये भी प्रोनाउन होगा, ये भी क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो कहीं ना कहीं निर्जीव वस्तु को हटा करके और ईट का यूज किया जा रहा है। आई बॉट सम पेन्स, आई बॉट सम पेन, किसने खरीदा भाई, ये तो मैंने खरीदा, राइट, और मैंने खरीदा तो कहीं ना कहीं मेरा भी तो नाम ही है, तो नाम को हटा करके और कौन यूज होता है, प्रोनाउन आता है। अब एक चीज बड़ा लाजवाब जो आप सबको पता होगा डियर, आज तक तुम लोगों ने देखा होगा, राइट, क्या देखा होगा कि नाउन का डिफिनेशन तुम लोग ये बोलते आया है, सॉरी प्रोनाउन का डिफिनेशन, ये प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ये नाउन के स्थान पर आता है, मैं मानता हूं नाउन के स्थान पर आता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, फटाफट अगर आप लोग कमेंट कीजिए अगर जो आता है तो, इसका फंक्शन क्या होता है डियर, इसका फंक्शन जो होता है, देखो मैंने बेहतरीन तरीका बताया है कि हर तरह से एक फंक्शन होता है, नाम को बोध कराना नाउन का फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है टू अवॉइड द रिपीटेशन, टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है हटाना, आई मीन रिमूव कर देना, क्या कर देना, रिमूव कर देना, हटाना, टू अवॉइड द रिपीटेशन, रिपीटेशन का मतलब होता है दोहराव, ये जो बार बार जो रिपीट होता है ना वो हटा देना, नाउन इन द सेंटेंस, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस, जब किसी वाक्य में जो बार बार आता है उसको हटा देते, राइट, जब बार बार किसी चीज को आप लोग याद कीजिए बुतरू में, है ना, जब आप लोग गाय पर निबंध लिखते थे ना तो बार बार गाय गाय नहीं ना करते थे, कभी कहते थे इसके उसके, है ना, इसका, ऐसा ही कुछ लिखते थे आप लोग आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ देखो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, आई नो लखीरंचा, एक बात बताओ इसमें कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लखीरंचा से प्यार है, पहले बहुत बार आप लोग नाम सुने होंगे, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, राइट, हाँ हाँ, चलिए आइए। कहता है कि आई नो लखीरंचा, मैं लखीरंचा को जानता हूँ, और फिर कह रहा है कि लखीरंचा इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्या कह रहा है, इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो बार बार लखीरंचा लखीरंचा जब बोल रहे हो ना तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, अटपटा लग रहा है, तो इसीलिए इसको हटा देते हैं, और आई नो लखीरंचा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो ही क्या हुआ यहाँ पे डियर, ये ही यहाँ पे प्रोनाउन हुआ, राइट, तो उसका काम क्या होता है ना, रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, नाउन को हटा करके उसके स्थान पर ये प्रोनाउन का काम होता है कि वो आता है, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को कैसा लगा प्रोनाउन, सबको समझ में आया, आपने सीखा कि प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन इन द सेंटेंस, जो बार बार रिपीट होता है उसको हटा देना, राइट। तो अभी हम लोगों ने प्रोनाउन को देखा, अब प्रोनाउन के बावजूद में हम लोग फिर से आगे हम लोग देखेंगे, आ जाओ, वाह गुड, एक नंबर, ये देखो ना कितना मस्त चीज मैंने लाया आप लोगों के सामने, है ना, बारीकी से आप लोग जितने भी लोग बैठ करके देख रहे हो हमारे वीडियो को, प्लीज राइट, आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत बढ़िया ढंग से एक नोट कॉपी बनाना, राइट, बहुत अच्छा से नोट कॉपी बनाना और इसको एक एक करके पॉइंट को नोट करना। अभी मैं बेसिक स्टार्ट किया हूँ, और सारे एग्जाम का जितने भी वराइटीज होंगे, राइट, वो सभी एग्जाम का यहीं पर तैयारी करवाऊंगा। जैसा कि देख रहा हो ये क्या लिखा हुआ, बोलो, वर्ब लिखा हुआ, वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन होता है, एक्शन का मतलब क्या होता है, अरे दुनिया संसार के जो तुम करते हो ना उसी को एक्शन कहा जाता है, खाना पीना चलना रोना धोना, ऐसे जो बाबू सोना करता है ना, राइट, तो वो भी क्या है, बोलो क्या है, एक्शन है, क्या है, एक्शन है। आप बोलते हो ना कि सर आप जो इंग्लिश पढ़ाते हैं ना वो समझ में तो आ जाता है,
लेकिन आप मैथ, ये मैथ सर कुछ लोग पढ़ाते हैं तो नहीं आता है, गलत बात, उस टीचर का दोष नहीं, मैथ भी आपको आएगा समझ में। बताओ सपना में देखोगे दीपिका पादुकोण, सपना में देखोगे दीपिका पादुकोण तो कहां से याद रहेगा तुमको त्रिभुज का कोण, बताओ कैसे होगा। डियर एक चीज मैं बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट आसान होगा है ना। ये कह रहा है क्या कि वर्ब जो एक्शन को बताता है, यहाँ देखो वर्ब क्या होता है, ये डूइंग वर्ड होता है, वर्ब क्या होता है, डूइंग वर्ड होता है। बसंती सिंग्स, बसंती गाती है, बसंती क्या हुआ, बसंती ये सब्जेक्ट है, एक नाउन है, एक नाउन है और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब बसंती गाती है, बोलो बसंती क्या करती है, गाती है, तो गाना क्या हो गया, बोलो वर्ब हो गया, क्या हो गया, वर्ब हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि हैपनिंग, ये जो देख रहे हो ना हैपनिंग, देखो भाई ये एक्शन डूइंग किसी कार्य को करना वो अलग चीज है, लेकिन हैपनिंग वो बिल्कुल अलग चीज होता है। हैपनिंग मतलब कुछ होना, ये बताओ ना, द चेयर इज ब्रोकन है ना, कुर्सी टूटी हुई है, एक बात बताओ यहाँ कौन सा काम हो रहा है, कुर्सी टूटी हुई है, कौन सा काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको हम लोग हैपनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप देखते हैं बरसात होती है, बरसात होती है, आप जो देख रहे हो ना, तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने बरसात कोई करवा रहा है क्या, भगवान जी ऊपर बैठे हुए हैं क्या और थोड़ा सा आपको जगह बरसा दे रहे हैं, भगवान जी थोड़ा सा इनको जगह बरसा रहे हैं, उनको जगह बरसा रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये होना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होना, किसी चीज का होना, हैपनिंग क्या कहलाता है, हैपनिंग। नेक्स्ट है आपका बीइंग या स्टेट है ना, ये जो देख रहे हैं स्टेट कोई अवस्था को बताता है। द डॉग इज डेड, द डॉग इज क्या, डेड, ये जो देख रहे हो ना द डॉग इज डेड, ये कुत्ता जो मरा पड़ा है कि नहीं, तो ये अवस्था है कि मरा पड़ा है। आई एम अ टीचर कौन सा काम कर रहा हूँ, आई एम अ टीचर में कौन सा काम कर रहा हूँ भाई, राइट, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आई टीच यू मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है, आई टीच यू तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, यहाँ भी एक अवस्था की बात कर रहा है। तो आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या होता है, वर्ब का मतलब एक्शन, और डिटेल एक्सप्लेन फिर से हम लोग करेंगे है ना। आ जाओ नेक्स्ट, चलो आ जाओ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा है ना, ये देख रहे हो फिर से, ये भी ना परेशान करता है जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला तो डी यहाँ पे साइलेंट होता है, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज ऑब्जेक्टिव, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव होता क्या है, कह रहा है कि क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन तथा प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है, जो विशेषता बताता है उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब एनीथिंग, किसी चीज के बारे में, अबाउट नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब कर दे, कुछ भी बता दे, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। डियर एक एक चीज को, मटेरियल को बनाने के लिए बहुत समय लगता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे दूर दूर तक आप लोग शेयर कीजिए, और वीडियो अगर जो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलेंगे। आ जाओ नेक्स्ट, कहता क्या है, जैसे क्या भाई, तो यहाँ पे एडजेक्टिव कह रहा है, एडजेक्टिव है विशेषण बोलते हैं, तो जो नाउन की विशेषता बतला रहा है, ये देख लो पुअर है आपका, रिच है, नाइस है, फैबुलस है, फंटास्टिक है, लेजी है, ये सभी के सभी क्या है, बोलो एडजेक्टिव है, क्या बोलो, एडजेक्टिव है। कैसे, सपोज दैट एडजेक्टिव को अगर जो पहचान ना होना तो याद रखना आप बोलना कैसा, क्या बोलना, कैसा, क्या बोलेंगे, कैसा, जहां देखो कैसा छाप वहीं लगाइए मुहर आप, समझ में आ गया, यानी जहां देखो कैसा छाप वहीं समझिए एडजेक्टिव आप, जहां देखो कैसा, कैसा के आंसर जो आ जाए समझ लेना कि वो एडजेक्टिव है ना, कि लड़का पुअर है बोलो कैसा पुअर, तो पुअर क्या है बोलो एडजेक्टिव है, लड़का कैसा है बहुत सुंदर है तो सुंदर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यहां देखो क्या कह रहा है, लखेरनचा प्लेज विद एनर्जेटिक प्लेयर्स, ये जो प्लेयर्स देख रहे हो ना, ये प्लेयर्स क्या है भाई, नाउन है, जिसको खिलाड़ी बोलते हैं, तो ये एक नाउन का काम करता है, समझ में आ गया। अब देखो ये जो देख रहे हो ना है ना, लखेरनचा, लखेरनचा क्या हो गया भाई, ये लखेरनचा हो गया क्या आपका सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ये खेलता है, ये क्रिया के पांचवा रूप, ये वर्ब हो गया, ये बीच जो देख रहे हो ये क्या हो गया, ये प्रेपोजिशन हुआ। एक एक चीज को काटना सीखो, एक एक चीज को थोड़ा निकालना सीखो है ना। और ये देख रहे हो कि लखेरनचा प्लेज विद एनर्जेटिक प्लेयर्स, ये खिलाड़ियों के साथ, बोलो कैसा खिलाड़ी के साथ है ना, तो क्या कह दिया मैंने, ये देखो एनर्जेटिक जो देख रहे हो ना, ये क्या हो गया बोलो, एडजेक्टिव हो जाएगा। एनर्जेटिक का मतलब होता है शक्तिशाली, जवान समझते हो, शक्तिशाली, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट कहता है इट इज अ फाइव स्टार होटल, ये होटल क्या हुआ भाई है ना, नाउन,
हुआ? नाउन हुआ। और इसके पहले जो आ रहा है ये क्या चीज का काम कर रहा है? बोलो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट कहता है कि चुलबुली, अरे बोलो ना फटाफट, ए चुलबुली। कहता है कि चुलबुली है ना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये जो गर्ल जो है क्या हुआ? नाउन हुआ। और नाउन की विशेषता बता रहा है लड़की कैसा है। अरे बताओ ना चुलबुली कैसा है? तो यह सुंदर है। तो ये जो देख रहे हैं है ना एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ डियर मेरे? एडजेक्टिव हुआ है ना। तो ये देख रहे हो, एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, ये देखो नाउन के पहले एडजेक्टिव आया, नाउन के पहले एडजेक्टिव आया। एक नोट पॉइंट बना दिया मैंने, क्या बना दिया कि जब भी एडजेक्टिव आता है तो जब भी आएगा तो कहीं ना कहीं ये नाउन के पहले आएगा। राइट, याद रखना कि एन एडजेक्टिव कम्स आफ्टर नाउन। राइट, याद रख लेना ये नाउन के, सॉरी आफ्टर नहीं, बिफोर। एन एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन। ये तो देख रहे हैं ये नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जब भी आएगा तो नाउन के पहले आएगा। भैया जो विशेषता बतला दे किसी का भी है ना, काला गोरा ऊंचा नीचा ये सब जो देख रहे हो ये सभी के सभी क्या है? बोलो एडजेक्टिव है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेरी नाइस। तो जैसा आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग देख रहे थे, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोग का वो है आपका कंजक्शन। डियर ये कंजक्शन होता क्या है? कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। ये जो कंजक्शन होता है ना ये जोड़ने का काम करता है, किसी दो चीजों का ये जोड़ने का काम करता है। राइट, या तो आप देख रहे हैं ये कनेक्टर का काम करता है, किसी चीज को ये जोड़ने का काम करता है। माय डियर एक लाइन में आप जान लो, फेविकॉल समझते हो ना, है फेविकॉल समझते हो? कंजक्शन इज इक्वल टू फेविकॉल। ये जो देख रहे हो कंजक्शन ये फेविकॉल की तरह काम करता है, दो चीजों को ये जोड़ देता है। राइट, किसको किसको जोड़ेगा बाद में हम लोग देखेंगे, कि सेंटेंस को जोड़ेगा, क्लाउज को जोड़ेगा, वर्ड्स को जोड़ेगा। राइट, ये इडियम और फ्रेजेस को जोड़ेगा, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जान लीजिए कि कंजक्शन क्या होता है। तो कंजक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है, एक कनेक्टर की तरह काम करता है। राइट, आइए कुछ कंजक्शन जो बोर्ड पर लिखा हुआ है आप देख सकते हो। एंड हो गया, बट हो गया, नॉट और सीम्स एज बिकॉज अंटिल थ्रू सॉरी दाउ बट, ये सभी के सभी क्या है? ये कंजक्शन है माय डियर। राइट, जैसे आप लोग देख रहे हो एग्जांपल। राइट, कह रहा है कि धासु सिंह, नाम तो पता चल रहा होगा, धासु सिंह एंड हिज ब्रदर प्लेड विद एनर्जेटिक है ना प्लेयर यस्टरडे। ये जो देख रहे हो कि धासु सिंह और एक भाई, ये दो शब्द है, एक इधर है और एक धासु सिंह है, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एंड। तो एंड क्या हो गया? इसको एंड नहीं बोलते हैं, एंड बोलते हैं। राइट, तो एंड जो हो गया एक कंजक्शन का काम किया डियर, ये क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। नेक्स्ट रहा ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, दो विरोधाभासी चीजों को जोड़ने के लिए बट का प्रयोग किया जाता है, वो बात की बात है, हम लोग बाद में देखेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन कंजक्शन अभी कनेक्टर का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। राइट, एक्चुअली ये सेंटेंस ऐसा होगा, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस ऐसा होगा। राइट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज पुअर और ही इज ऑनेस्ट, दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया? He is poor but honest. ये जो बट जो देख रहे हो ना यही कंजक्शन है माय डियर। क्या है? कंजक्शन है। तो कंजक्शन क्या चीज का काम करता है? फेविकॉल का काम करता है, ये जोड़ने का काम करता है। देन नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं। आजा नेक्स्ट आपके सामने एक ऐसा टॉपिक है जो काफी बेहतरीन टॉपिक है। राइट, जैसा कि आप लोग देख रहे हो है ना, ये देखो क्या कह रहा है, ये देखो ये लिखा हुआ है आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब तुम लोग ऐसे ही समझते हो, ए एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं। फिलहाल अभी इतना जान लो कि वाकई में ए एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं, लेकिन ये आर्टिकल है ही नहीं है। राइट, ये आर्टिकल का जो सटीक वे बोलते हैं सिर्फ इतना ही जानते हो ना, ए एन तथा द को आर्टिकल बोलते हैं, मैं मानता हूँ ये है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप इतना ही में खत्म कर देते हो, एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल खत्म हो गया। नहीं, यहीं से शुरुआत करना है। फिलहाल बेसिक थोड़ा सा मैंने बताया है कि आर्टिकल क्या है भाई। तो कम्स बिफोर नाउन, ये जब भी आता है तो नाउन के पहले आता है। अभी तक मैंने बताया कि जैसे मान के चलिए आप लोग देख रहे थे एक चेयर है, क्या है? एक चेयर है, और ये चेयर के पहले क्या आता है? ये आता है, तो ये आर्टिकल हो गया। राइट, और ये क्या हो गया? नाउन हो गया। तो नाउन के पहले क्या आया? आर्टिकल। तो यहाँ क्या लिखा हुआ कि कम्स बिफोर नाउन, ये नाउन के पहले आता है। डिफिनेट आर्टिकल आना, डिफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप? दो टाइप होते हैं। तो कौन कौन भाई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो देख रहे हैं वो है आपका डिफिनेट आर्टिकल। ए एन को क्या कहते हैं? इंडिफिनिट कहते हैं। और द को जो है हम लोग क्या कहते हैं? डिफिनिट कहते हैं।
ना, आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम, मैं बताऊंगा कि कब हम लोग द कोटी अच्छी को ही पढ़ते हैं और कब हम लोग द पढ़ते हैं, ये सब अगले वीडियो में देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, अब हम लोग देख रहे हैं कि ए एन किसके साथ आता है, तो सिंगुलर क्वांटेबल नाउन के साथ ए एन आ सकता है, राइट। नेक्स्ट है प्लूरल के साथ नहीं आता है, और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिस नाउन को हम लोग गिनेंगे और सिंगुलर होगा तो ए एन आएगा, और जिस नाउन को गिनेंगे अनकाउंटेबल होगा, प्लूरल होगा, तो उसके साथ हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर जो करेंगे तो पाप लगेगा, हम लोग चाहेंगे नहीं कि पाप करें। नेक्स्ट कह रहा है क्या, कम्स विथ नाउन, ये जो है ये नाउन के साथ आता है, किसके साथ आता है, नाउन के साथ आता है ना, विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस, उस नाउन के साथ आता है, ये नहीं, कम्स विथ नाउन विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस, जिस नाउन को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, राइट। ये पेन है तो ये पेन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तुम, तो ये पेन के पहले, यानी पेन के पहले ए आएगा, राइट। अगर जो तुम कहते हो ना कि ये क्या है, एक बोतल है, तो ये बोतल के पहले क्या आएगा, है ना, यहाँ ये बोतल के पहले क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। तो कम्स विथ नाउन विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस, वेरी नाइस। द का प्रयोग देख लीजिए, द प्रयोग सबके साथ आता है, सिंगुलर के साथ भी आता है, प्लूरल के साथ भी आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, राइट। ये देख रहे हो, कम्स विथ नाउन दैट आर डिफिनिट, एक वैसे नाउन के साथ आता है तो नाउन डिफिनिट हो, तो वहां पे इंडिकेट कर रहा है ये डिफिनिट है, तो उसके साथ क्या आता है, बोलो द आता है, विशेष हम लोग देखेंगे, है ना। नेक्स्ट आइए, आ जाओ, ये डियर मैंने कुछ है ना, थोड़ा सा मैंने बनाया है, इस तरह से आप देख लो, थोड़ा सा इसको देखिए, मैंने कुछ ऐसा बनाया है, क्या है भाई, ये देखो, कहता ए एन जो है कम्स विथ, ए एन किसके किसके साथ आता है, तो ए एन जो है वो पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल ए जो आता है विथ कॉन्सोनेंट साउंड, जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो सबके साथ में, ऐसे आप लोग जानते होंगे कि लेटर कितना होता है, 26 होता है, तो ये 26 को जो देख रहे हो, 26 में से 21 जो देख रहे हो ना, ये क्या हो गया आपका, ये कॉन्सोनेंट लेटर हो गया, कॉन्सोनेंट है ना, सी एल हो गया कॉन्सोनेंट लेटर, और ये जो 5 जो देख रहे हो ना, ये क्या हो गया आपका, ये आपका वावेल है ना, लेटर हो गया, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ ए एन जो है, एन किसके साथ आता है, तो वावेल साउंड के साथ आता है, साउंड एक अलग चीज होता है, लेटर एक अलग चीज होता है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अभी मैं बताने वाला हूँ। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि वावेल कौन कौन होता है, तो ए ई आई ओ यू के क्या कहते हैं, वावेल कहता है, ये सभी 5 में जब आता है तो इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, डियर क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है ना वावेल, देखो ये वावेल लेटर हो गया, ये जो देख रहे हो ना, ये वावेल लेटर हो गया, और वावेल साउंड क्या होता है, आ से लेकर के आप बोलते हो ना आ आ ई ई ऐसे बोलते हो ना, तो आ से लेकर के औ तक ये वावेल साउंड हो गया, तो जितने भी वावेल साउंड होते हैं ये सबके साथ क्या आता है, ये सबके साथ में ना है ना, ये सबके साथ जो है वो है ना एन आता है, क्या आता है, एन आता है। अब आ जाओ यहाँ पे, कुछ मैंने बनाने के लिए दिया है, कुछ मैं बना रहा हूँ और कुछ आप लोग बना करके आइएगा। देखो यहाँ कह रहा है कि आर्ट, आर्ट बोलो तो आर्ट, आर्ट आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो एन आर्ट हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, एन आर्ट हो जाएगा। ऑरेंज, ऑरेंज आ रहा है, ऑरेंज राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ऑरेंज हो जाएगा। यूनिवर्सिटी, जब यूनिवर्सिटी लिखते हो ना तो यूनिवर्सिटी ऐसे लिखाता है, यारा लवा वाला जो होता है ना यू, तो यूनिवर्सिटी में इस तरह से होता है, इसी में यूनिवर्सिटी होता है, यूजफुल होता है, यूरोपियन होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब इस तरह से आता है तो कॉन्सोनेंट साउंड देता है, दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, आ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं चलेगा। अगर जो तुम एन लिखते हो तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पुलिस, मैंने बताया कि पुलिस जो है, पुलिस इज अ प्लूरल नाउन, पुलिस एक प्लूरल नाउन होता है, इसके पहले हम लोग है ना आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए नो आर्टिकल हो जाएगा, राइट। आजा, आर्टिकल हो जाएगा। तो अभी मैंने कुछ ऐसा दिया है ना, ये आपके लिए मैंने छोड़ा है, ये देखो यूरोपियन के पहले क्या लगेगा, यूरोपियन के पहले है ना, यहाँ पे यूरोपियन के पहले क्या लगेगा, यूरोपियन के पहले ये देख लो, यूरोपियन के पहले ये लगेगा, लगेगा ना। तो इस तरह से बहुत से ऐसे चीज है जो मैंने, ये देखो ये पी एम, एम पी, बी ए, ऑनेस्टी, एडवाइस, ये सब क्या क्या है ना। तो आप लोग प्लीज आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि इतना के क्या होगा, इतना के क्या होगा। तो ये सब आपको बनाने के लिए मैंने दिया, इस तरह से बनाना। और नेक्स्ट आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लाजवाब है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर, इसको हम लोग बोलते हैं है ना प्रेपोजिशन, क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए प्रेपोजिशन क्या है, ये प्रेपोजिशन दो शब्द से बना है, प्री प्लस पोजिशन, क्या बना है, प्री प्लस पोजिशन, ये प्रीपोजिशन दो शब्द से मिलकर के बना है। ये प्री का मतलब क्या होता है, ये प्री का मतलब होता है बिफोर, क्या होता है, बिफोर। और पोजिशन का मतलब क्या होता है,
ये प्लेस होता है। तो जब कोई स्थान के पहले आता है उसके साथ रिश्ता बताता है। अरे भैया प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? ये प्रेपोजिशन जो देख रहे हो ना, ये प्रेपोजिशन है ना, एक सेकेंड, ये जो देख रहे हैं आप प्रेपोजिशन, तो ये प्रेपोजिशन जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? आई मीन प्री प्लस पोजिशन, प्री प्लस पोजिशन, ये जो देख रहे हो प्री और ये क्या है, ये पोजिशन, ये प्री का मतलब होता है बिफोर होता है, क्या होता है डियर, और पोजिशन का मतलब होता है प्लेस, इसका मतलब जब कोई भी स्थान के पहले आता है उसे क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। प्रेपोजिशन का काम क्या होता है? इट शो द रिलेशनशिप ऑफ नाउन है ना, प्रोनाउन टू अनदर वर्ड, ये कभी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ में, अरे जो दूसरा बात होता है ना, ये क्या कह रहा मैंने, ये कहा कि नाउन या प्रोनाउन है ना टू अनदर वर्ड, एक नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता बताता है, एक सेंटेंस में कोई और भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है उसके साथ रिलेशन बनाता है, ये रिलेशन बताने का काम करता है कौन, प्रेपोजिशन। तो हमने शॉर्ट में कहा कि प्रेपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड, ये रिलेशन बताता है किसी स्थान के पहले आकर के नाउन तथा प्रोनाउन के साथ क्या करता है, रिलेशन बताता है। एक लाइन में जानो, अगुआ समझते हो ना, अगुआ इज कॉल्ड प्रेपोजिशन, अगुआ क्या कहता है, दो दिनों को है ना दोनों लोगों को जोड़ देता है, और जोड़ने के साथ साथ क्या बताता है, रिश्ता बताता है, तो अगुआ का काम करता है प्रेपोजिशन। जैसे आप लोग देख सकते हैं, एट हो गया, इन हो गया, अमंग हो गया, बीसाइड हो गया, बीसाइड्स हो गया, बिटवीन हो गया, अमंग हो गया है ना, ओवर हो गया, ऑन इट इज, जितने भी आप जो देख रहे हो ना डियर, ये सभी के सभी है ना, ये क्या है, ये प्रेपोजिशन। मैं बताऊंगा कि बिटवीन और अमंग में क्या अंतर है ना, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है, वहां से मैंने बताऊंगा। नेक्स्ट कह रहा है क्या, हिज वाइफ वाज सिटिंग विद मिस्टर लखेरंचा, ये देखो हिज वाइफ एक नाउन हुआ और एक नाउन क्या हुआ, लखेरंचा हुआ, ये दोनों नाउन को क्या कर रहा है, रिलेशन बताने का काम कर रहा है, और विथ है हिज वाइफ वाज सिटिंग विद मिस्टर, किसी का पत्नी अगर जो किसी के साथ वो बैठ जाए, बर्दाश्त होगा क्या, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा है ना। तो कह रहा है कि विथ क्या हो गया, यहाँ पे ये विथ प्रेपोजिशन हो गया, इसीलिए मैंने हाईलाइट करके लिखवा दिया। ही प्लेड विथ एनर्जेटिक प्लेयर्स यस्टरडे, राइट, तो ये जो देख रहे हो ना विथ जो हो गया क्या हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया, ऑन क्या हो गया, ये भी आपका प्रेपोजिशन हो गया, यानी द बुक है ना, द बुक इज ऑन द टेबल, टी ए बी एल ई, टेबल, टेबल पर, स्थान कहाँ है, ये स्थान हुआ, ये टेबल स्थान हुआ, ये स्थान के पहले है, और ये जो प्लेयर का जो स्पेलिंग देख रहे हो है ना, ये प्लेयर्स हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रेपोजिशन समझ में आ गया सबको, बाकी हम लोग डिटेल स्टार्ट करेंगे, बहुत से चीजों को हम लोग डिटेल स्टार्ट करेंगे। आ जाओ डियर नेक्स्ट आ जाओ, ये कह रहा है एडवर्ब, तो एडवर्ब का मतलब क्या आता है, मॉडिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव एन एडवर्ब, एक जो होता है ये एडवर्ब जो होता है, ये एडवर्ब होता क्या है, तो एडवर्ब जो देख रहे हैं आप लोग राइट, ये एडवर्ब जो है वो किस किस चीजों को क्वालिफाई करता है, तो ये जो एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब को, ये देखो एक व्हेन, हाउ और एक वेयर, वेयर ये देखिए, जब वेन का और हाउ का और वेयर का, ये तीनों का अगर जो आंसर मिल जाए, ये आंसर मिल जाए, तो इसी को क्या कहते हैं, बोलो डियर, इसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। आ जाओ, जैसे हो गया ब्रेवली, क्या हो गया, ब्रेवली, देयर हो गया, सेल्डम, यस्टरडे, हार्ड, स्लोली, ये सभी के सभी जो है क्या है, ये एडवर्ब है। एग्जाम्पल देखो, धासु सिंह प्लेड ब्रेवली, ब्रेवली विथ एनर्जेटिक प्लेयर यस्टरडे, धासु सिंह ने खेला, तो बोले कैसा, वेन मने कैसा, वेन मने कब या जब, हाउ मने कैसा, वेयर मने कहा, तो ये देखो हाउ है ना, हाउ का आंसर मिल रहा है कैसा, तो बोलो एनर्जेटिक, सॉरी ये तो ऐसा ब्रेवली, तो यहाँ पे जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ये क्या था एनर्जेटिक, ये आपका एडजेक्टिव था, ये क्या था, ये आपका नाउन था, और अगर जो बात करें तो ब्रेवली भी हो जाएगा, और यहाँ जो यस्टरडे देख रहे हो ये भी क्या है, ये भी एक एडवर्ब है, ये भी क्या है डियर, ये एक एडवर्ब है यस्टरडे, ये टाइम ऑफ एडवर्ब होता है ना, बहुत से बताएंगे टाइम ऑफ प्लेस, टाइम ऑफ मैनर, टाइम ऑफ है ना, जो भी है इस तरह से हम लोग चर्चा करेंगे, तो ये एडवर्ब हो गया। निश कहता है कि ही इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट क्या हुआ, ये स्मार्ट जो देख रहे हो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। ये हार्ड क्या हो गया, ये वेरी हार्ड, ये हार्ड खुद ही कहीं ना कहीं एडवर्ब है, और इसको भी क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से बहुत से ऐसे चीज है जिसको हम लोग देखेंगे, और अभी तो एक बेसिक पॉइंट है हमारे डियर, ये बेसिक पॉइंट है राइट।
नेक्स्ट आ जाओ आई एडवर्ब। अब जो हम लोग का जो टॉपिक है आज तक है ना, आज तक आप लोगों ने इस तरह के टॉपिक को शायद पढ़ा होगा। मैं जानता हूं कि आप नाम जानते होंगे इंटरजेक्शन। अरे भैया इंटरजेक्शन में इंटरजेक्शन, इसमें आर जो होता है वो साइलेंट होता है इंटरजेक्शन। लेकिन बाहर में जाए बिहार में है ना, वो प्रोनंसिएशन लोग ध्यान ही नहीं देता है। कितने लोगों को बता दो कि बेटा फादर नहीं फादर पढ़ो, सिस्टर नहीं सिस्टर, ब्रदर नहीं ब्रदर, लेकिन वो सब केयर नहीं करता है। आ जाओ इंटरजेक्शन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। इंटरजेक्शन कहता है एक्सप्रेस सरप्राइज, ये पेन और क्या चीज को, ये सरप्राइज, ये आश्चर्य को बताता है, दर्द को बताता है, राइट, हैप्पीनेस खुशी को बताता है, सॉरो दुख को बताता है, जब रोते हैं दुख को बताता है, निष्कर्ष हेज ये घृणा नफरत को बताता है। इसे क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ये लाजवाब टॉपिक है भैया, राइट। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, कभी खुशी कभी गम, राइट, ये खुशी कभी गम वाले चीजों को बताता है, राइट। जैसे देखो ना एग्जाम्पल, ये सभी इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल है। इसका है इंटरजेक्शन का एग्जांपल है, करा ब्रेवो, क्या करा ब्रेवो। ब्रेवो कब बोलते हैं, जब कोई चीज ना, जब कोई चीज किसी को बधाई देना हो, शुभकामना देना हो, यानी कांग्रेचुलेशन देना हो, तो क्या कहते हैं, ब्रेवो, वाह भैया ब्रेवो, राइट। जैसे हम लोग कहते हैं ब्रेवो यू वॉन द मैच, भैया वाह वाह भैया मैच आप जीत गए, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेवो ब्रेवो, है ना, ब्रेवो, वेल डन, शाबाश, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेवो। तो ये ब्रेवो क्या है, ये जो देख रहे हो ना इंटरजेक्शन है। ये क्या इंटरजेक्शन, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, कहता है अल्लास, ये तो ये लाजवाब चीज, भैया लाजवाब चीज कैसे होगा, राइट, ये तो मरने के बाद होता है, ये दुख की बात होता है। कहता है कि अल्लास लेकिन क्या करोगे, है कि नहीं कोई धरती पर बचने वाला नहीं। अल्लास ये जो अफसोस की बात है, बींग अपसेट, जब कोई आदमी बहुत ज्यादा अपसेट घबराया हुआ होता है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख में होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्लास बोलते हैं। अल्लाह ही है ना, अल्लास है ना, ही डाइड यस्टरडे, अफसोस की बात है कि कल वो मर गया, है ना, ये दुख की बात है भैया। तो ये अल्लाह देख रहे हो क्या इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट कह रहा है एओ, ये तो गजब वर्ड है यार, आप लोगों ने शायद कभी नहीं सुना, एओ बोलो ना, एओ, एओ क्या है ना, डिस्गस्टिंग, क्या कर रहा है, डिस्गस्टिंग, जब किसी चीज को आप घृणा करते हो, नफरत करते हो, ऐसे बोलते हैं ना, है ना, आप ऐसे बोलते हो ना, थू थू, है ना, छी छी, आई डोंट लाइक इट, ऐसे बोलते हो ना, तो वही वाला चीज है, आओ, है ना, क्या बोलते हैं, आओ, मुझे तो पढ़ाने के बावजूद भी गजब लग रहा है, राइट, लग रहा है कि मैं पहली बार अंग्रेजी ऐसे बोल रहा हूं, आओ, क्या बोलते हैं, आओ, आओ, आई डोंट लाइक दिस पिज्जा, वो पिज्जा खाने के लिए गया ना, यू तो ऐसा लगा कि एकदम थू थू कर दे, लेकिन खैर खाना के देख करके थू थू कौन करता है भाई, चाहे जैसा भी हो अच्छा हो, खैर लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, कह रहा है कि आओ आई डोंट लाइक दिस पिज्जा, आओ आई डोंट लाइक दिस खाना शर्ट, मैं इस शर्ट को एकदम पीला पीला शर्ट हो गया, इस शर्ट को पसंद। तो ये कब बोलते हैं, जब किसी को थू थू बोलना हो, छी छी बोलना हो, तो इस तरीका में आप लोग क्या बोलते हैं, आओ बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये ना ये तो गजब हो गया, ये जो वर्ड देख रहे आउच, क्या बोलते हैं, आउच, ये आउच कब करते हैं, जब हर्ट है या तो पेन, जब कोई दर्द देता है या तो कि ना किसी का नुकसान हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउच। जैसे आउच आई गॉट हर्ट, ओह मुझे चोट लग गई, क्या बोलते हैं, आउच, है ना, आपने पहली बार अंग्रेजी सुना होगा, ये तो गजब हो गया भाई, है ना। इंटरजेक्शन का मतलब सिर्फ वो नहीं जानते थे, हैप्पीनेस और सॉरो जानते थे, लेकिन ये जो आउच वर्ड आप लोगों ने सीखा कि नहीं सीखा, बिल्कुल सीखा। तो क्या बोलते हैं, आउच आई गॉट हर्ट, है ना, क्या लग गया भाई, जब दर्द होता है किसी तरह, है ना, यानी उसको बोलते हैं आउच आई गॉट हर्ट। नेक्स्ट कहता है स्प्लेंडेड, अरे भैया ये तो देख रहा हूँ ना स्प्लेंडेड, ये स्प्लेंडेड, पहले तो मैंने इसको स्प्लेंडर पढ़ता था, मैंने सोचा कि अस्पाची क्यों नहीं हुआ, मैंने सोचा कि ये मोटरसाइकिल क्यों नहीं हुआ, इसको क्या बोलते हैं स्प्लेंडेड, है ना, कब करते हैं, जब एडमायर करते हो, जब किसी की प्रशंसा करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, स्प्लेंडेड बोलते हैं, वाह बेटा वाह वाह, उसको बोलते हैं वाह बेटा वाह, है ना। जैसे हमने कहा स्प्लेंडेड, यू प्लेड बेस्ट, है ना, यू प्लेड बेस्ट, है ना, वेल बोलेंगे, वेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यू प्लेड, है ना, पेन, वाह बेटा वाह, आपने तो बहुत कमाल के खेला, है ना, वाह, एक नंबर चीज। नेक्स्ट कहता ओ, ये हो गया, नेक्स्ट कह रहा ओह, है ना, वी लॉस्ट हिम, वो कब करते हैं, जब कोई चीज को भूल जाते हो तो आप वो करते हो, देख रहे हो ना विनोद कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ावल जाता है, ध्यान से जरा पढ़ना, बहुत मेहनत लगता है बनाने में डियर, है ना, इस तरीका के नोट्स को। आ जाओ, ओ
तो चलिए ये लास्ट टॉपिक था, ये क्या था, ये लास्ट टॉपिक था, आप लोग देख रहे हैं इंटरजेक्शन था। तो बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा, ये मेरी आज ये आप मेरा सेकंड क्लास है तो मेरा सेकंड क्लास कैसा लगा। प्लीज अगर जो अच्छा लगे तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब राइट, और इस तरह से दुलारा प्यार देते रहिए और खूब शेयर कीजिए, और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग हम लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो मिलेंगे फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ VSR अड्डा पर। ओके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।